सो हेलो क्या इसके से हैं आप लोग तो हम आ गए हैं खूब पुरानी वीडियो के साथ तो भाई आज लेकर आ गया गए मैं मोड पैक पे वीडियो तो आप लोग बिल देते भाई टेक एक पैक और मोड्स पे वीडियो बना दो तो वीडियो को लास्ट तक देखना मोड्स के बाद आपका लैग वगैरह ना हो ये वो तो मैंने कुछ सेटिंग्स वगैरह बताई हैं जिससे में भी लैग देखने को नहीं मिलेगा मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा आई होप आपका भी ना हो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका भाई आपके नहीं देखो वीडियो लिया है मोट पर कि आप लोग बोल लेते तो दबा दो लाइक का बटन और वीडियो को लास्ट तक देखना मोट्स के बारे में ना लाइक थोड़ी कमांड्स वगैरह और बेसिक सेटिंग वगैरह भी आपको समझा दूँगा जो आप यूज़ कर सकते हो बाकी तो ऑलमोस्ट सारी सेटिंग खुद से आएंगे और कुछ सेटिंग आपको खुद भी करनी पड़ेंगी तो वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा बाकी सारी बातें वीडियो के बीच में करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना अगर वो भी पोज खेलते तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सो so अब लगाते हैं अपना इंट्रो और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के हाँ तो भाई तो अभी बढ़ते हैं अपना उससे पहले मैं थोड़े ना आपको दिखा देता हूँ जैसे कि अपने मैप वगैरह देख लो अपना ये मैप का भी मतलब पूरी जो जुआई होती है वो चेंज हो गई है पूरी और ये देखो इस समय इस पॉन भी क्लिक करके लाइक वहाँ पे सारे व्यव पॉइंट दिख जाएंगे वहाँ पे आप जाना चाह रहे हो अगर आपके पास का फास्ट ट्रैवल अनलॉक होगा तो आप ईजिली जा सकते हो ये सारी सेटिंग वेटिंग में भी दिखाऊँगा और मॉड बहुत ईजी है लगाना तो पूरा डिटेल में दिखाऊँगा बस वीडियो को लास्ट जा सकते उससे पहले मेरा भाई गॉड पोशनियाँ ख़त्म हो गया था वो मैं ले लेता हूँ क्योंकि भाई हमें नीड है, है इसकी और ये हो गया टन और अब निकलते हैं ऐसे बाकी टैक्स्टर पैक जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा लेकिन मैं बोलूँगा आप ये दोनों टेक्स्चर पैक यूज़ नहीं करना आपका मैं भी लेग हो सकता है सिर्फ़ आप एनिमेशन के लिए एक टेक्स्टर पैक यूज़ कर लेना देखो ये सारी चीज़ों की लिंक ना मैं आपको दे दूँगा अपने डिफॉल्टे क्योंकि भाई डिस्क्रिप्शन में दूंगा थोड़े इशू वगैरह हो जाते हैं तो आपको कुछ भी डाउनलोड करने की नीड नहीं होगी सारी चीज़ें ही मैं ट्राई करूँगा अपने डिस्काउंट पर दे दूँ अगर ना दिया वहाँ पर तो लिंक में दे दूँगा दिक्कत वाली बात नहीं वैसे तो सारी लिंक वगैरह ना डिस्काउंट पर मिल जाएगी और बाकी यहाँ पर देखो मैंने सब चीज़ें लॉक की हुई थी देख लो सेल होने में भी इसको टाइम लग रहा है लाइक इससे ना हमारी कोई चीज़ भी लॉस्ट नहीं होगा मतलब नुकसान तो भी बढ़ता है अपनी मोबाइल स्क्रीन पे तो भाई देखो सबसे पहले आप ना है गूगल में ओके और मैं जूम करता रहूँगा ताकि आपको सही से दिखे तो यहाँ पे ना आके आपने फॉर्ज सर्च करना है वन पॉइंट नाइन पॉइंट एट का और अभी ये मैंने लिखते तो यहाँ पे फॉर ये देखो ये आ गया मतलब आप जौन से वर्ज़न में खेलना चाहो उस वर्जन का उठा लेना उसके बाद आपने पहले ही वेबसाइट आई उसके अंदर जाना है सिंपल से मैं भी दिखा देता हूँ आपको मैं थोड़ा जूम जूम रखूँगा जिससे ना आप सही से समझ सको ना तो देखो पहली वेबसाइट में आने के बाद आपने सिर्फ इंस्टॉल पर क्लिक करना है जो दिख रहा है ना ये इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एकदम जूम करता हूँ मैं और राइट साइड पर आपने ना कॉर्नर में देखना है एक स्कीप का बटन दिखेगा ना तो ये देखो अभी आएगा यहाँ पर मतलब पाँच सेकेंड के बाद ये देखो ये आ गया स्कीप का बटन आपने इस पर क्लिक करना है आपका सिंपली जो फोर जी वो हो जाएगा डाउनलोड ये देखो मेरा डाउनलोड हो रहा है तो दो मिनट लगेंगे बस यूँ ही हो जाएगा डाउनलोड तो ये हो गया बस डाउनलोड और अब बढ़ते हैं यहाँ सब आगे का क्या है वो मैं आपको सब बताता हूँ हाँ तो भाई उसके बाद ना लाइक देखो आपने ना अपने जो पॉज ऑफ लंचर है ना उस पर टैप करके रखना है जिनका क्रैश होता है ये उनके लिए है वैसे तो आपका हो जाएगा उसके बाद आपने इस पर आके देखो नीचे क्लियर डेटा आपको दिखेगा ना आपने अपने अपने पॉज ऑफ लॉन्चर का पूरा क्लियर डेटा कर देना लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ ये हो जाएगा मेरा क्लियर डेटा यहाँ पे मैं कर दूंगा लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे मॉड्स वगैरह चल रहे हैं और उसके बाद आपने ना अपने फिर आने पॉज ऑफ लॉन्चर में उसके बाद आपने एक न्यू प्रोफाइल ना आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ आपका जब डेटा आएगा अकाउंट वकाउंट हट गया होगा आपने अगेंस्ट अपना अकाउंट लगाना है और वन का ना अपने वर्जन पहले डाउनलोड करना है क्योंकि भाई आपने फोर्ज वन का उठाया तो आपको वही वर्जन चाहिए होगा तो थोड़ी देर लगेगी आपको उसको डाउनलोड करना है ठीक है सिंपल है कोई तहाट नहीं है उसके बाद आपको मैं यहाँ पे देखो सबसे सब ऊपर ना राइट साइड पे लाइनें बनी हुई दिख रही होंगी डस्टबिन के बराबर में आपने उस पर क्लिक करना है उसके बाद आपने ना ये देखो फर्स्ट वाला जो है ना वीडियो वाले में जाना है और इसके बाद जाना अपने रेंडर वाले में सबसे सब ऊपर ही और ये वाला आपने सिलेक्ट रखना है जिससे आपके ना मॉट्स में कोई इशू नहीं आएगा तो ये चीज़ भी रख लेना वैसे ही ऑटोमेटिक ही होती है अगर आपकी चेंज हो तो इसको कर लेना और उसके बाद ये इंस्टॉल जा रहे हैं जो सेकेंड लास्ट वाला है उस पर आपने क्लिक करना है उसके बाद जो फॉर्ज है उस पर आपने सिर्फ दबाना है जैसे जो आपने फोर्ज डाउनलोड किया होगा ना वो आपके फाइल मैनेजर में आ जाएगा उस पर आपने सिंपल जब क्लिक करना है और फोर्ज इंस्टॉल कर लेना है आपको पता है बस पे क्लिक करोगे खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने फोर्स क्लोज कर देना है हाँ तो भाई सॉरी वैसे होगी बस आपने इस पर क्लिक करना उसके बाद ना वो आपसे खुद इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा उस पर आप क्लिक करोगे हो जाएगा मैं भी इसलिए नहीं, नहीं कर रहा भाई फिर ना मेरे उसमें फिर अगेन से वो डबल का हो जाएगा फिर मुझे अगेन से क्लियर डेटा करना पड़ेगा फिर लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं करके दिखाया बाकी सिंपल ही आपका हो जाएगा फिर उसका ना आपका जो फॉर्ज आपने इंस्टॉल किया होगा ना वो 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 यहाँ पर आपको जैसे मेरा दिख रहा है ऐसे दिखेगा सिंपल सा आपने प्ले पे क्लिक कर देना थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपने न्यू न्यू फॉर्ज लगाया होगा ना मे बी तीन चार मिनट या दस मिनट भी लग सकता है आपका नेट की स्पीड पर मैटर करता है फिर उसके बाद सिंपल से एक बार आपने गेम ऑन करनी है गेम ऑन होने के बाद ना जैसे ये हो गई मेरी फिर आपने गेम को अगेन से बंद कर देना है ठीक है बंद क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपने करने मॉड्स डाउनलोड तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ मॉड्स का मॉड्स का नाम है नोट इनअप अपडेट करके कुछ नाम है लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है अपडेट मतलब इसको डाउनलोड करने की क्योंकि मैं इसकी लिंक वगैरह ना मॉड्स और टैक्चर पिक की अपने डिस्काउट पे मॉड्स का फोल्डर अलग हो उधर दे दूंगा और टेक्चर पैक का अलग होगा उधर दे दूंगा लाइक आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी सिंपल सा आप ईजीली डाउनलोड कर सकोगे हाँ तो भाई सॉरी बाकी जब वो आप दोनों डाउनलोड कर लोगे ना मतलब जितने भी आपको मोट्स लगाने वो आपके ऊपर है भाई मैं नहीं बता रहा कि इतने लगाओ इतने नहीं लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा एक ही मोड लगाओ ज़्यादा की नीड नहीं है अगर आपकी लो डिवाइस है ना अगर दो लगाओगे लेक हो सकता है सिंपल से जब आप मॉड डाउनलोड कर लोगे ना तो आपने ना मॉड को करना है कॉपी या मूव जो भी करो जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको लेकर आना है अपने अपने डेटा में एंड्रॉयड में जाके और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ लाइक जैसे मैं कोई सा भी ना एक मॉड ले लेता हूँ यहाँ से कोई सा भी मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये मॉड टेक्चर पे गए वैसे लेकिन हम इसको ना एक तरह से मॉड समझते हैं आपने इधर आना अपने स्टोरेज में जाके आपने अपने अपने एंड्रॉयड वाले में जाना है उसके बाद अपने अपने डेटा में जाना है फिर सबसे नीचे आपका जहाँ पे भी दिखे पॉज ऑफ लाचर का ये वाला फोल्डर इसके अंदर जाना है अपने सिंपल से ये तो आपको पता ही होगा जैसे आप टैक्चर पैक मूव करते हो ना जेड आर्ची से वैसे ही आपने करना है इसके अंदर आके आपने जाना है मॉड्स वाला एक न्यू फोल्डर आ गया होगा जैसे ये इधर आपने सिंपल से वो मॉड को कर देना पेस्ट ठीक है ये हो गया आपका मॉड एड फिर आपने कुछ भी नहीं करना बस आपने बैक जाना है और टैक्चर पैक भी ऐसे ऐड होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ टैक्चर पैक का भी और आपको मैं वो भी दिखा दूंगा लाइक बहुत से लोगों का ना फाइल वाला शो नहीं होता हाँ तो भाई मैं कह रहा था लाइक टेक्स्चर पैक भी आपके सिंपल से ऐसी एड होते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको जैसे टैक्चर के निये आपने वही करना है सब जैसा भी मैंने बताया था मूव पे क्लिक करके उसको लेके जाना है और अपना टेक्स्चर वाले पैक में डाल देना है सिंपल से आ जाएगा और जिन भाई लोगों की ना लाइक ये फ़ाइल शो नहीं होती ना तो मैं उनका भी बता देता हूँ थोड़ा सा मैं जूम कर दूँगा जिससे आपको ना सही से दिख सके अभी मैं देखो ये रिफ़्रेश करता हूँ और जिन लोगों की फाइल ना मतलब शो नहीं होती उनके लिए बता रहा हूँ लाइक मैं पहले आपको ना जाके दिखाता हूँ तो मैं आ गया इधर अब देखो यहाँ पे राइट साइड पे थ्री डॉट दिख रहे हैं मैं इस पर क्लिक करूँगा डोंट शो हाइड फाइल देखो मेरा माइंड क्राफ्ट का फोल्डर गायब हो गया और मैं अगेन से उस पर क्लिक करूँगा थ्री डॉट्स पे और मैं दबाऊँगा शो हाइड फाइल तो यहाँ पे वो अपना माइंड का फोल्डर आ गया लाइक ये करना है उसके बाद सिंपल से आ गए हम अपना गेम में अब गेम में क्यों आए लाइक मैं आपको ना थोड़े से फ्यूचर बता देता हूँ जिससे आपका लेग नहीं होगा तो सबसे पहले भाई अपने जो आपके रेंडर चंग चंग से होते हैं ना मतलब रेंडर डिस्टेंस जो होती है उसको एकदम कर देना लो एक दो कर लेना ज़्यादा क्योंकि देखो नीड नहीं है रेंडर की ना तो इसको एकदम लो कर लेना जिससे आपका भाई लेग बहुत कम हो जाएगा और उसके बाद ना लाइक जितने भी आपके ना लाइटिंग वाइटिंग सब ऑफ रखना और फैंसी क्लाउड ब्लाउड सब कुछ ऑफ रखना देखो अगर लेग से बजना उनके लिए बता रहा हूँ मैं बाकी आप चाहो तो कॉल के भी खेल सकते हो आपकी मर्ज़ी है लेकिन लेग अगर नहीं चाहते तो ये सब ऑफ़ कर लेना जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लाइक लेग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा हाँ तो भाई मैं कह रहा था लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि लेग ही एकदम खत्म हो जाएगा वो देखो आपके मोबाइल पे मैटर करता है तो उसके बाद ना आपने जब वो लगा दोगे ना नॉट इनफ अपडेट लगा लेना एक में तो यही बोलूँगा आपको अगर आपको स्मूथली कहना है फिर आपने सिंपल से सिलेक्ट एनी यू का क्लिक करो मतलब दबाओगे ना कमांड तो आपका ऐसे करके मेन्यू एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लाइक आपको जो जो चीज़ अपने हिसाब से सेट करनी है आप कर लेना मैं यही सजेस्ट करूँगा कुछ भी चीज़ को मत छेड़ना क्योंकि भाई ऑलरेडी आप जैसे ये मॉड लगाओगे ना उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें खुद से एड आएंगी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इधर लेकिन मैं थोड़े बहुत आपको फ़ीचर पर भी बता देता हूँ अगर तो आपके फ्यूचर वगैरह ऑफ है ना लाइक आपका बैक पैक वाला नहीं शो हो रहा फास्ट ट्रेवल वाला जो मैप है वो शो हो नहीं हो रहा लाइक जैसे देख लो ये आइटम वगैरह के प्राइस दिख रही है ये भी तो ऑलरेडी आपका आ जाएगा अगर नहीं आ रहा तो वो आप खुद से भी ओपन कर सकते हो और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ वैसे मैं यही बोलूँगा आपको छेड़ने की नीड नहीं है वो ऑटोमेटिक ही आएगा तो देखो ये हो गया अपना और ये है वो फेरीसोल वाला वे पॉइंट वाला इसको आपको खुद से ऑन करना पड़ेगा जब जब आपको फेरी सोल अगर मतलब जमा करना है उससे और इंचाइनमेंट सॉल्वर वाला जो वो भी मैं अभी दिखाता हूँ लाइक इसी के अंदर है वो भी वो भी आप ऑन कर लोगे तो आप इंटॉइनमेंट टेबल भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो जो कि ओ वाला सीन है हाँ तो भाई देखो ये इतना हो गया डन उसके बाद देखो ये है मेन चीज़ इसको ज़रूर से आप सेट करना अगर आपको नहीं आता ना देखो ये इन्वेंट्री बटन वाला इसका क्या यूज़ है जैसे मैंने लगाया मैं इसे ना पूरी अपने साइटों पे लगा सकते हो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लाइक आपके अगर फ़ास्ट ट्रैवल अनलॉक है ना आपने उसका जो होता है ना मैप ऐसी कंज्यूम किया हुआ है कुछ होता है वैसे आपने करना सिंपल से आप देखो इसके अंदर आओगे आपने ना एडिट वाला जो है ना उस पर जाना है फिर इधर आप आके ना लाइक कोई सा भी मैप आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे ये है ना पहले मैं यहाँ पर एक देख लेता हूँ लाइक कोई सा ना तो वो देखो अभी ना मेरे पास सबका भाई वो मैंने ना कंज्यूम नहीं किया हुआ फास्ट ट्रैवल का मतलब पोर्टल है मैंने फास्ट ट्रेवल वाले किए हुए नहीं ये तो वो मेरे को ना फास्ट ट्रैवल नहीं कराएगा और मैंने ये सारे आपको लेटेस्ट वाले वर्जन दे दूंगा अपने डिस्काउंट पे मिल जाएंगे सारे तो देख लेना ठीक है देखो ये तो हो गया टर्न अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ देखो आपने ये ना ओपन बटन वाले पे जाना है इधर आके आपने लाइक सबसे पहले ये मतलब जौन सी चीज़ को आपने ऐड करना है उस हिसाब से ना आप कमांड डाल सकते हो यहाँ पर तो मैं ये वाली कमांड करता हूँ देखो ये आईलैंड वाली तो ये मैं ऐड कर दूँगा इधर और यहाँ पे जो आइलैंड की कमांड होती है ना उसको मैं क्लिक कर दूंगा जैसे सिलेश आई एस लिखूँगा और ये हो गया और साइड में से आपने कर देना इसको सेफ ठीक है ये हो गया डन अब देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक आइलैंड पर पहुँचा देगा अभी देखो मैं ऑलरेडी आइलैंड पर हूँ तो ये नहीं हो रहा मैं पहले चलता हूँ यहाँ से अपना क्रिमसन आइलैंड पर फिर आपको ना देखो दिख जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्रिमसन आइलैंड एड किया मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें पहुँचा देगा नदर में ये आ गए हम नदर और अब चलते हैं यहाँ से हम अपना आइलैंड पे जो कि सिंपल है थोड़ा मेरा नेट इशू कर रहा था तो दिक्कत वाली बात ये तो देखो हम यहाँ आ गए अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा ये इनने पहुँचा दिया हमें हमारे आइलैंड पर मतलब जो मैंने आपको बताया हूँ तो मुझे नहीं पता है जहाज नूबड़ी का क्यों जा रहा है तो दो मिनट रुकना हाँ तो भाई उसके बाद देखो यहाँ पे ना लाइक ये आपका सलियार वाला है ये भी आप जस्ट ओपन कर लोगे तो आप जब सलियार कर रहे होगे ना आपको साइड में दिखेगा कि कितने किल रहते कितने नहीं और देखो ये है वो आपका ना स्टोरेज वाला लाइक आप इसको ऑन रखोगे ना तो आपका जो स्टोरेज का जो है ना बैक पैक का वो पूरा जो मेन्यू है चेंज हो जाएगा लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये सबसे ऊपर वाला ये मेरा ओपिन है और अब चलते हैं अपना बैक पैक की तरफ एंड इधर में आ गया और इधर तो ये देखो सारे बैक पैक अलग ही दिखे और अगर आपके कोई से बैक पैक ना दिखे देखो साइड में ये भी दिख जाएगा जैसे लॉड नहीं हो रहे ना अपने जस्ट एक बार इस पर क्लिक करना ये हो जाएगा लॉड इस पर क्लिक करना ये हो जाएगा लॉड लाइक डरने की कोई बात नहीं बस आपने क्लिक करना है वो आपका खुद ही ऑटोमेटिकली लॉड कर लेगा तो ये तो हो गया बैक पैक का अपना वैसे देखो जो है ना मतलब समझो एक तरह से ना हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन परसेंट चीज़ें तो ऑटोमेटिकली सेट आएंगी बाकी ये मैप वगैरह जो है ना डंजन का वो अपने खुद से कर लेना अपने हिसाब से सेट येरा जहाँ आपने एडिट करना है किस तरह मैप रखना है क्या रखना है वो सब आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे ना वो खुद से भी आप सीख जाओगे इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी डंजन का सब कुछ है और ये रहा भाई वो जो इंचाइनमेंट सॉल्वर था ना वो इसके नीचे वाला लाइक देखो ये भी है इसको छोड़ दो ये रहा नीचे तो इसको आप ओपन कर लेना लाइक इस तरह आपको दिख जाएगा लाइक जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था ना इंस्टॉलर हमने लगाया हुआ था उस वजह से हमें ईजीली सब दिख रहा था तो ये है और ये माइनिंग वाला भी बेस्ट है इस तरह ना आप अपना जो डीप कैप में जाओगे ना वहाँ के सारे वे पॉइंट दिखेंगे मतलब किंग की कि तरह और अपना ये की तरह ऐसे करके और जो मैंने बताया था कि जो मेटर डिटेक्टर वाला है वो भी सारे वे पॉइंट वगैरह यहाँ से आप ओपन कर सकते हो जैसे ये टाइटेनियम वगैरह ऑल चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो और ये फ़िशिंग वाला बेस्ट लगा है मुझे मैं आपको दिखाता हूँ हाँ तो भाई सॉरी वैसे हो रोल तो देखो ये फिशिंग वाला है ना इसका पता है क्या यूज़ है बैग में पहले फ़िशिंग रॉड यहाँ से निकाल लेता तो हमारी फ़िशिंग रॉड रखी हुई है बैक पैक में देखो इससे ना इजीली हमें दिख जाती कौन है कौन सी चीज़ कहाँ तो ये रही हमारी रॉड इसको हम ले लेते हैं अपने पास और अब चलते हैं फिशिंग करने में बस मतलब अपने आईलैंड पर आपको फ़िशिंग करके दिखाता हूँ इसका बहुत ओपी यूज़ है अगर आपके लगा होगा ना लाइक जैसे आपका टेक्चर पेगा उसमें एनिमेशन नहीं दिखता कि फ़िश आ रही है नहीं आ रही तो आपको ज़रूरत नहीं है एनिमेशन की लाइक इससे देखो दिख रहा है आपका सेकंड भी दिखाएगा कितने सेकंड लग रहा है आपको फिश पकड़ने में अभी मैंने कोई भी बैट मतलब आर्मर नहीं पहना हुआ ऐसा जैसे हम फिश मतलब फास्ट पकड़ सकें तो उसके लिए थोड़ा सा भाई देर लग रही है लेकिन जैसी आपकी फ़िश भाई करीब होगी ना देखो ये ऐसे बने आएगा और जब फिश एकदम क्लॉस आ जाएगी ना ये हो जाएगा रेड आपका ये ऐसी और आपने जैसी रेड हो आपने बस इसको खींच लेना और आप पकड़ लोगे फ़िश तो ये भी बेस्ट इसका फ्यूचर है मेरे को तो ओपी लगा आपको कैसा लगा आप मुझे बताना तो देखो ये हो गया डन और सेकंड जो मॉड है ना वो है इस्का बिलोक आइडन तो मैं बोलूँगा अगर चाहो तो आप दोनों भी लगा सकते हो नहीं तो आप दोनों ना भी लगाओ इसकी कमांड एस बी है और इसका तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि अगर आप ये वाला लगाओगे ना तो इसके तो आप ख़ुद से फ्यूचर पढ़ लेना इसमें इतना हार्ड नहीं है बस आपने आगे आगे करना है ख़ुद से फ्यूचर ऑन कर लेने तो इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा तो यही है वैसे मैं यही बोलूँगा अगर आपकी लो डिवाइस है तो दो दो मत लगाना फिर लैग हो सकता है आपका एक ही यूज़ करना जो पहला वाला मोड था अगर आप चाहते हो दोनों लगाना तो दोनों भी लगाओ दिक्कत वाली बात नहीं है वो आपकी चॉइस है भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा जो आपको बेस्ट लगे हाँ तो भाई सॉरी वॉइस ओवर रुकिया गए तो उसके बाद देखो मैं यहाँ पे आया था यहाँ पे मैं क्यों आया था देखो इन मोड पैक से ना ये भी एक फ़ायदा होता है अगर राइट साइड में आप देखोगे मेरा जो पिक वाला ऑप्शन है ना कोने पे वहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो रोज़ का डेली मिशन होता है ना उसमें बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आती क्या मांग रहा है तो इसका सिंपल सा फंडा है ये मांग रहा था भाई और ब्लॉक्स तो और भी लोग तो भाई मेरे को कहीं भी नहीं मिले कहाँ से हम बाय करते मुझे नहीं पता तो भाई मैं नीदर गया नैदर से मैं नस्ट स्किल टेस्ट से तोड़ के लिया था पचास और भी लोग और मैंने इसको यहाँ पे ये पचास भी लोग दे दिए थे और इसने हमें रिवॉर्ड दे दिया था मतलब ऑल चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा ना आपकी ईजी हो जाती है मॉड से अगर आप लगा लेते हो तो हाँ मतलब ये भी हो गया वरना पहले मुझे समझ नहीं आता था भाई इसको क्या चाहिए क्या नहीं अब तो भाई डेली मेरे को साइड में दिख जाता है और मैं इसको दे देता हूँ वो चीज़ और अपना काम हो जाता है डन और देखो जो मैं वेव पॉइंट बोल रहा था ना यहाँ पे मैं वे पॉइंट ऑन करता हूँ तो देखो मेरे ड्राउन माइन जो है ना तो वहाँ इसके भी सारे वेव पॉइंट दिखेंगे देखो सामने फेरी सोल है। से होलें और लेफ़्ट साइड राइट से जहाँ जहाँ भी फेरीस होल है सारे वेव पॉइंट दिख जाएंगे बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं अगर फिर भी ना समझ आया हो तो कोई ना डिस्काउंट पर मैसेज मार देना मुझे हाँ तो भाई मैं कह रहा था मैंने वैसे तो देखो भाई एक एक चीज़ डिटेल में बताई है आपको आई होप आपको समझ आ गई हो अगर नहीं भी समझ आई हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो कमेंट में नहीं पूछना चाहते आप चाहते हो बैक मतलब फ़ॉर फ़ौर रिप्लाई मिल जाए तो आप डिस्काउट पर जाओ डिस्काउट पर आप मुझे मेरा जो डिस्काउट सर्वर है उस पर मेरे को पिंग कर देना मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा आप इजीली समझ जाओगे और वहीं पे ना ये सारे मॉड और टेक्चर पैक मैं अपना मैंने न्यू फोल्डर बना दिए तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना सीधा मैं मीडिया लिंक दूंगा जस आपने क्लिक करना है वहाँ पर पहुँच के ईजिली उसको आप डाउनलोड कर सकते हो मतलब ओ पी सी ने कोई हार्ड नहीं है तो हाँ तो बस भाई लोग आज की वीडियो में यही था वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना और चैनल पे नहीं हो तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अभी भी अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कमेंट करके मुझसे पूछ लेना और मैं भी आप लोगों का लेग ना हो अगर अच्छी डिवाइस है अगर लेग हो रहा है तो एक टेक्चर यूज़ करना मतलब मॉड में मिलता हूँ आपसे अप कल अपना ख्याल रखना बाय बाय